कमास्टो पीसी 210 दोस्तों, आज की वीडियो में कमास्टो पीसी 210 10 MO और कमास्टो पीसी 210 LC 10 MO हाइड्रोलिक्स एक्सकेवेटर की आज जानकारी बताने वाला हूँ। न्यू वर्जन में क्या क्या अपडेट हुआ है सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन की जानकारी दोस्तों, इस मशीन में कमास्टो कंपनी की इंजन लगा हुआ है। इसका इंजन मॉडल कमास्टो SAA6D107E1 है। इसका इंजन टाइप वाटर कूलर 4 साइकिल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है और इसकी एम्पीरेशन 6 सिलेंडर इनलाइन टर्बो चार्जर अफ्टर कूलर है। और इस इंजन की बोर साइज 107 mm की है और इस इंजन की स्ट्रोक 124 mm की है और इसकी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 6.69 लीटर की है। और इस इंजन की हॉर्स पावर 123 kV एंड 165 HP 2000 RPM के साथ पावर प्रदान करती है। इस इंजन की गवर्नर सिस्टम ऑल स्पीड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वर्क करती है। इस इंजन में फ्यूल पंप CRDI फ्यूल पंप लगा हुआ है। इसकी नोजल इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से फायरिंग करती है। इसकी फायरिंग ऑर्डर टाइमिंग 1, 5, 3, 6, 2, 4 है और इसकी इंजेक्टर DC 3 वोल्ट से वर्क करती है। इस इंजन में लूब ऑयल कैपेसिटी 23.1 लीटर की है और इस लूब ऑयल की ग्रेड CO 15W40DH है और इस लूब ऑयल प्लस लूब ऑयल फिल्टर को कम से कम 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट वाटर 21.8 लीटर की कैपेसिटी है और इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए DC 12 वोल्ट 100 एम्पीयर की 2 बैटरी लगती है। इस इंजन की सेल्फ स्टार्ट मोटर 24 वोल्ट की है। इस इंजन की डीजल खपत देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से 1 घंटा में 12 से 14 लीटर डीजल खपत कर लेती है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी दोस्तों, इस मशीन में कमास्टो कंपनी की हाइड्रोमाइन हाइड्रोलिक मैकेनिकल इंटेलिजेंट न्यू डिजाइन सिस्टम क्लोज सेंटर सिस्टम लोड की हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। इस पंप की वर्किंग स्पीड मोड 6 मोड से वर्क करती है और इसकी पंप टाइप डबल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप है। इस पंप की मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो 475 लीटर प्रति मिनट है। इस मशीन की पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर मैन पंप से कन्वर्ट किया हुआ है, जो पूरा पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 33 kg की जरूरत होती है। अब रिलीफ वाल्व सिस्टम की जानकारी इंप्लीमेंट सर्किट बूम सिलेंडर आर्म सिलेंडर और पॉकेट सिलेंडर वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 380 kg स्क्वायर की जरूरत होती है, जो मेन कंट्रोल वाल्व से प्राप्त होती है। अब ट्रेवल सर्किट सिस्टम की जानकारी दोस्तों, इस मशीन में ट्रेवल मोटर डबल एक्सल पिस्टन मोटर विद पार्किंग ब्रेक सिस्टम है। इस ट्रेवल मोटर को वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 380 kg स्क्वायर की जरूरत होती है, जो मेन कंट्रोल वाल्व से प्राप्त होती है। इस मशीन की स्ट्रिंग कंट्रोल 2 लीवर विद पेडल ऑपरेट हाइड्रोलिक सिस्टम से होती है। कमास्टो पीसी 210 इस मशीन की ट्रेवल स्पीड 3 मोड वर्किंग सिस्टम है, एक हाई स्पीड मोड, एक मीडियम स्पीड मोड और एक लो स्पीड मोड। इसकी हाई स्पीड मोड में ट्रेवल मार्चिंग 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा मार्चिंग कर सकती है और इसकी मीडियम स्पीड मोड में 4.1 किलोमीटर प्रति घंटा मार्चिंग कर सकती है और इसकी लो स्पीड मोड में 3 किलोमीटर प्रति घंटा मार्चिंग कर सकती है। इस मशीन की ट्रेवल डिवाइस प्लेनेटरी गियर मोटर हाइड्रोस्टिक डिवाइस है। इस डिवाइस में गियर ऑयल 3.3 लीटर की कैपेसिटी एक साइड है। इस गियर ऑयल की ग्रेड 90 नंबर की है। इस गियर ऑयल को कम से कम 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। दोस्तों, कमास्टो पीसी 210 10 MO कमास्टो पीसी 210 LC 10 MO की ट्रेक्सो प्लेट और ट्रेक रोलो में बदलाव है। एक साइड की जानकारी बता रहा हूँ, दोनों तरफ सेम है। पहले कमास्टो पीसी 210 10 MO की जानकारी बता रहा हूँ। इसकी फ्रेम एक्स फ्रेम है और इसकी ट्रेक्सो प्लेट 45 पीस लगा हुआ है और ऊपर रोलर 2 पीस लगा हुआ है और लोअर रोलर 7 पीस लगा हुआ है और ट्रेक गार्ड 2 पीस लगा हुआ है और इसकी ट्रेक्सो प्लेट साइज 600 mm की है। अब कमास्टो पीसी 210 LC 10 MO की जानकारी बता रहा हूँ। इसकी ट्रेक्सो प्लेट 49 पीस लगा हुआ है और इसके ऊपर रोलर 2 पीस लगा हुआ है और इसके लोअर रोलर 9 पीस लगा हुआ है और इसकी ट्रेक गार्ड 2 पीस लगा हुआ है और इसकी ट्रेक्सो प्लेट साइज 600 mm की है। अब स्विंग सर्किट सिस्टम की जानकारी दोस्तों, इस मशीन में स्विंग मोटर हाइड्रोस्टिक पिस्टन मोटर विद हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसकी स्विंग सिस्टम वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 295 kg स्क्वायर की जरूरत होती है, जो मेन कंट्रोल वाल्व से प्राप्त होती है। इसकी स्विंग डिवाइस रिडक्शन इंप्लेनेटरी गियर मोटर सिस्टम है। इस गियर मोटर में गियर ऑयल की कैपेसिटी 5.3 लीटर की कैपेसिटी है। इस गियर ऑयल को कम से कम 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए और इसकी ऑयल ग्रेड 90 नंबर ग्रेड की है। इस मशीन की स्विंग स्पीड देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से 12.4 राउंड चक्कर लगा सकती है प्रति मिनट। दोस्तों, इस मशीन की वर्किंग स्पीड देखा जाए तो 1 घंटा में मल्टी लोडिंग 20 से 22 एवर लोडिंग कर सकता है। इस मशीन की डीजल टैंक कैपेसिटी 400 लीटर की है और इस मशीन की हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 135 लीटर की है और इसकी पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम 220 लीटर की है। इस मशीन को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए हाइड्रोलिक फिल्टर और फ्यूल फिल्टर कम से कम 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। कमास्टो पीसी 210 10 MO की ऑपरेटिंग वेट 2500 kg है और कमास्टो पीसी 210 LC 10 MO की ऑपरेटिंग वेट 21300 kg है। इस मशीन की केबिन फुल AC केबिन है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि वीडियो की जानकारी और किसी को मिल सके। जय हिंद।